नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सर, अगर जो आपके पास भी देसी मुर्गियां हैं, वैक्सीनेशन आपको करना नहीं आता है तो आज इसके बारे में आप सीखेंगे। वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं, कौन कौन वैक्सीनेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो आज जो मुर्गी का है वो 15वां दिन हो रहा है, वैक्सीनेशन 14वां दिन 15वां दिन के अंदर में कर देना चाहिए। तो आज मुर्गियों को जो हम ला कर रखे थे, आप लोग को बताया है कि 15वां दिन हो रहा है, टोटल मुर्गियां 2700 थी। तो जो किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सर लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको मुर्गी से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहेगी, पोल्ट्री ट्रेनिंग से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहेगी। अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे थे वो वैक्सीनेशन का था, वो गैम्बोरो वैक्सीन का था, यानी सेकंड वैक्सीन जो लगता है 15वें दिन वो गैम्बोरो का था। वो बड़ा वाला सीसी था, उसमें 2000 कैपेसिटी का था, यानी 2000 चूजा को उसको पिला सकते थे। और जो छोटा वाला सीसी है इसमें 1000 सीसी का था, इसका प्राइस है 620 के करीब, और बड़ा वाला सीसी का प्राइस है 1000 कुछ समथिंग। तो दोनों मिला के आपको 1600 रुपये लग जाएंगे अगर जो 3000 चूजे के लिए आप लेना चाहते हैं। तो जो किसान भाई अभी तक सर सब्सक्राइब नहीं किया, सर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी हम वीडियो में बताएंगे सर कि वैक्सीनेशन देने से पहले और वैक्सीनेशन देने के बाद सादा पानी आप यूज़ करें, और इसीलिए यूज़ करने के लिए बोलते हैं ताकि वैक्सीनेशन अच्छा से सेटल हो जाए, सेट कर जाए। तो आज मुर्गी के 15वां दिन हो रहा है, मुर्गी को सुबह में वैक्सीनेशन हम लोग कर दिए हैं। वैक्सीनेशन का टाइमिंग आप लोग को पता होगा सर कि वैक्सीनेशन का टाइमिंग मेरा रहता है सुबह में 4 से 5 बजे के बीच में, ताकि सनलाइट आने से पहले सब मुर्गी पानी पी ले। और इस बार हम वैक्सीनेशन जो देख रहे हैं ना ऑटोमेटिक ड्रिंकर, इसी में मैंने कर दिया, और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको ऐसा करें वैसे करें। जो रहता था मिलाने वाला, एक पानी भी मिलता है पोल्ट्री स्टोर में, पानी भी दे देगा साथ में, तो उसमें मिला करके सभी में इक्वल हम बांट दिए, और ऊपर टंकी से पानी बंद कर दिए, उतना ही जितना उसका गैप में पानी है उतना ही मुर्गियां पिएगी। मुर्गियां का बदन भी बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, बढ़िया है, और 15वें दिन हो चुके हैं। तो पूरा पोल्ट्री का ट्रेनिंग वीडियो आपको तो हमेशा मिल ही रहा है, एक दिन से लेके 13 दिन तक अपडेट है, और 14वां दिन भी वाला भी वीडियो चढ़ गया, आज 15वां दिन बन रहा है, और इसको देख लीजिएगा। और आपको एक दिन से लेके एक महीना तक नहीं बल्कि अंडा देने तक, यानी जब तक अंडा देती है उस दिन तक पूरा इसका डिटेल वीडियो आते रहेगा, पोल्ट्री ट्रेनिंग होते रहेगी एक तरह से। तो जो किसान भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, हमेशा आपको मुर्गी से संबंधित, बकरी से संबंधित तथा फार्मिंग से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। अभी देखिए मुर्गियाँ को अब दाना में जो दिया गया है वो प्रिय स्टार्ट रही हैं, जिसको चीज क्रम्स बोलते हैं, उसका रेट आपको 1800-1900 के बीच में ही रहेगा, हार्डली उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, चाहे जो कोई भी कंपनी का आप ले लें। अब बात आती है दाना कितने टाइम देना है। कुछ लोग बोलते हैं सर कि दाना आप कितने कितने टाइम में देते हो, हम बोले दाना कितने टाइम में नहीं देखते, टाइम देख कर दाना नहीं दिया जाता, बल्कि हम दाना लगा करके छोड़ देते हैं मुर्गियाँ को, जब इच्छा होती है खाती है, जब इच्छा नहीं होती है नहीं खाती है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि सुबह शाम दाना लगाइएगा, उस तरीके से दिक्कत होने वाली है। और जहाँ तक अब हरा चारा की बात है तो हरा चारा अभी नहीं देना है, हाँ जो फॉर्म में मेरा था वही मुर्गियाँ खाती थी, और उसको भी आगे चल के हम दिखाते हैं कि कैसे मुर्गियाँ ने पूरा जो फॉर्म में हरा चारा हो रखा था उसको सबको ख़त्म कर दिया। तो अभी जो भी मुर्गियाँ हैं वो फीमेल मुर्गियाँ हैं, और जो किसान भाई को फीमेल मुर्गियाँ ख़रीदना चाहते हैं केवल फीमेल अंडा के लिए और ब्रूडिंग किया हुआ, वो संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पर ऊपर में दिया गया है, और आप आसानी से ले जा सकते हैं। आप 200, 500, 1000, 2000 जितना भी मन है आप अंडे के लिए ले जा सकते हैं, ब्रूडिंग किया हुआ मुर्गियाँ बहुत ही अच्छे कॉस्ट पर मिल जाएंगे। अभी देखिए मुर्गियाँ जो बिल्कुल हैं फॉर्म में, जो हरे चारे थोड़ा बहुत उग आए थे, हम जान रहे थे कि जो मुर्गियाँ हैं ना सर वो हरा चारा खाएगी इसको। तो देखिए इतना ना पहले पता था कि इतना पहले पता मैंने इन लोग सब साफ कर देगी। तो देखिए मुर्गियाँ बिल्कुल देखिए उछल उछल कर खा रही, अब इसको क्या कहा जाए, और आराम से इसके लिए हम कोई मना ही नहीं किए हैं इन लोग को कि नहीं खाओ भाई, हाँ खाओ, वैक्सीनेशन हो गया सर। अब आगे 16वें दिन आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन के बाद आपको
कौन कौन सा दवा देना चाहिए, कैसे कैसे देना चाहिए। तो जो किसान भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए कर दें। थैंक यू।